नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीजी निषाद। दोस्तों आज हम यहां पे आए हैं उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव में। तो यहां पे एक घर में जो है फॉल्ट हुआ है लाइट का, आप देख सकते हैं यहां पे ये वायर पूरी तरह जल के बाहर हो गया है। ये एमसीबी बॉक्स भी, और नज़दीक से दिखाई दे रहा है, एमसीबी बॉक्स भी जल के पूरी तरह से चिपक गया है। अब हमें इसको रिपेयर करना है, एमसीबी भी ख़राब हो गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसी को हम रिपेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आपको हर एक नई जानकारी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही आपके लिए यूजफुल वीडियो है और नए लोगों के लिए खास करके यूजफुल वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की रिपेयरिंग ये फॉल्ट जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कभी भी ऐसा हो जाए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं या नए इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसी जो है रिपेयरिंग के ये वीडियो में आपको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है एक्सप्लेन करूँगा और इसको रिपेयर करके हम आपको सामने रिपेयर करेंगे कि किस तरह से इसको रिपेयर करना चाहिए, किस सावधानी से रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि लाइन चालू है अभी भले नहीं है, लाइट कभी भी आ सकती है, तो उन बातों का भी खास करके ध्यान रखा जाता है। तो आप यहाँ बने रहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो लाइट है मेन लाइन आया है इसको हमको कट कर देना है। तो दोस्तों ये कनेक्शन हमने एक काट दिया है, अभी खतरा पूरी तरह से टल चुका है, इसके बाद में हम इसको पूरी तरह से खोल के रिपेयर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और किस तरह से इसको करना है, तो जो खतरे का था सबसे पहले ये तार को हमने हटा दिया है, काट दिया है, और ये जला हुआ तार को भी हम निकाल देते हैं इस तरह से, ताकि और फिर भी इसको ध्यान रखना है कि ये हमारे पे कहीं छू ना जाए धोखे से। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका जो है ये बॉक्स खोल लेना है, और खोलने के बाद एमसीबी ख़राब हो चुकी है इसलिए इसको हमको बदलना है। अब ये पूरी तरह से चिपक गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉक्स भी काम का नहीं है, एमसीबी जल चुकी है इसकी। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये लोड की वजह से ऐसा होता है, और एमसीबी भी जो है कम एम्पियर की पड़ी हुई है, 16 एम्पियर की है, इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि लोड अगर ज़्यादा पड़ गया तो वो एमसीबी ख़राब हो जाती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये जली हुई है, ये पूरा जल गया है। इसके साथ में ये थोड़ी सही है, लेकिन हम दोनों इसकी बदलेंगे, क्योंकि ये भी ट्रिप कर रही है बार बार, ज़्यादा गिर रही है, इसका मतलब है कि थोड़ा इसमें भी गर्म की वजह से ये भी ख़राब हो चुकी है। तो इसको हम जो है निकाल देंगे बाहर और नया एमसीबी इसमें हम डालेंगे आज। तो इसको ये लॉक है, इसमें ये लॉक को इस तरह से खींच लेना है। तो ये आपका दोस्तों निकल गया, ये इंसुलेटर है लगा हुआ था, ये देखिए आप, ये दोनों जल चुकी हैं, दोनों ख़राब हो गई हैं, इसलिए एमसीबी अच्छी नहीं है दोनों, ये पूरा बेकार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से जो है इनको एक साथ रख दीजिए। और यहाँ पे हमने ये कनेक्शन यहाँ पे हटा दिया है, ये अंदर का इस बोर्ड का कनेक्शन है, और ये जो है दूसरा जो लाइन है मेन लाइन है अंदर के लिए, जो सप्लाई अंदर के लिए जाता है, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से इस तरह से। अब इसको हमको हटा के जो है वो दूसरा जो वहाँ से आप वायर देख रहे हैं कोने में से, वहाँ से इसको निकालेंगे, क्योंकि ये जो फॉल्ट हुआ है तो ये दरवाजे की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ कि दरवाजे में लोहे का दरवाज़ा है, यहाँ टच नहीं हुआ, नहीं यहाँ भी करंट फैल सकता है, और अचानक कोई आ जाए लेटरिन बाथरूम करने के लिए तो इसी तरह से एक करंट मार देता है, इसी तरह से हादसा हो जाता है। तो ऐसी एक गलती आप ना करें, कभी भी लोहे के आसपास वायर कटा हुआ नहीं छोड़ना है और कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप कितने खतरे की बात थी, अगर दरवाजे में ये वायर जो निकल गया था वो अगर टच होता तो यहाँ पर पूरी तरह से करंट किसी को भी मार सकता था, खतरा हो सकता था, हादसा हो सकता था। तो ऐसी गलती ना करें, इसीलिए हम आपको सावधान करते हैं। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे किस तरह से रिपेयर करना है और किस तरह से करना चाहिए था। तो बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ रिपेयर करके दिखाएंगे। एमसीबी है यहाँ की मंगाई है नई, अब ये लगाएंगे हम, ये भी पारकोस कंपनी की है, पारकोस कंपनी की 32 एम्पियर की एमसीबी है। तो अब यहाँ पे लोड के हिसाब से हम 32 एम्पियर का एमसीबी दो डाल देते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कि करना क्या है। ये जो यहाँ की एक सप्लाई वाली लाइन है अंदर की, वो यहाँ लगा देते हैं, और ये भी जो है दूसरी जगह की सप्लाई की लाइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमको यहाँ पे लाइन एक एक करके अब ये दूसरा जो है वायर इसमें लगा देना है न्यूट्रल का। ये जो अंदर की सप्लाई है ये कनेक्शन अभी यहाँ पे हमने लगा दिया है, अभी लग गया मेन लाइन।
तो मेन लाइन ये यहाँ पे जो निकाली थी वो यह मेन लाइन यहाँ पे लटक रही है। अब इसको हम उसके अंदर जोड़ेंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। दिखाओ जरा प्लस। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे फेस को, तो वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह से यहाँ पे सावधानी से इसको, लाइट है नहीं फिर भी जो है हम जो है काम जो करना है हमको वो बड़ी सावधानी से ही करना है। लाइट रहे अथवा ना रहे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है कि भाई लाइट नहीं है तो हम जो है किसी भी तरह वायर को पकड़ के जोड़ दें, ऐसी गलती कभी नहीं करना है। बड़ी सावधानी से ही काम करना है। और ये थोड़ा सा अगर बड़ा है वायर तो उसको काट भी सकते हैं इस तरह से। यहाँ इसको ये जो फेस है उधर रेड लगा हुआ है, तो यहाँ भी हमने रेड में रेड ही लगाना है। अब बचा ये न्यूट्रल वाला दूसरा, इसको भी इस तरह से छील लेना है। और अगर ज़्यादा बड़ा है तो इसको काट सकते हो आप, इस तरह कटिंग कर देना है। इसको भी दूसरे साइड में लगा देना है। ये आपका मेन कनेक्शन जो है हो गया, लाइन जो है चालू हो गई है। अब ये प्लेट जो है ऐसे लगा देनी है इसके अंदर, ये हो गया। कवर लाओ इसका, ये कवर लगा देना है। लेकिन इसको कटिंग करना पड़ेगा, कटर उठाओ जरा। कटिंग करना है सर, जितनी वायर के हिसाब से आपको कटिंग कर देना है। कटिंग नहीं करेंगे तो वायर कैसे निकालेंगे, इसलिए इसको कट कर देना है। और ये बंद कर देना है इसको अच्छे से। अब ये कनेक्शन पूरी तरह हो गया है, अभी लाइट है नहीं, नहीं तो इसको हम चालू करके आपको दिखाते। तो इस तरह से सावधानी से ही काम करना है। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है कनेक्शन, इसको चालू बंद कर सकते हैं। MCB हमने बदल दिया है, कनेक्शन भी सही कर दिया है, जो भी जला हुआ था वो सब ठीक कर दिया है। अभी कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अभी ये पूरी तरह कम्प्लीट हो गया है।